हेलो फ्रेंड्स, सेरेब्रल पाल्सी में हम लोग आज स्पास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। स्पास्टिसिटी यानी क्या? कड़क हो जाते हैं। अभी ये मेरा हाथ है, ऐसे करना है तो जल्दी से नहीं कर पाऊँगी, ये ऐसे मुड़ गया, ये सीधा करना है तो उसमें दिक्कत आएगी, उंगलियाँ स्ट्रेक करनी है तो दिक्कत आएगी। सेरेब्रल पाल्सी में जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चा माँ के पेट में होता है तब या डिलीवरी के वक्त इंजुरी हो जाती है दिमाग को, उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। अब समझो दिमाग के इस भाग में, यहाँ पे इतना ही भाग है, मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ का इतने भाग में इंजुरी हुई है तो ये एरिया जो है, यहाँ का इतना भाग दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स का लेग एरिया यानी पैरों का भाग है, यहाँ पे इंजुरी होगी तो क्या होगा, दोनों पैरों में तकलीफ होगी। तो समझो बच्चा 6 साल का हुआ है तो उसको चलने में दिक्कत आएगी, फिर उसका चलने का तरीका बदल जाएगा। समझो यही बच्चा 3-4 साल का हो गया तो उसका चलने का गेट कैसे होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल डायप्लेजिया। अब समझो मैं सेरेब्रल पाल्सी की 4 साल की बच्ची हूँ और मेरे को सेरेब्रल डायप्लेजिया, तो मेरे पैर एक तो ऐसे ही जाएंगे इधर घुटने से नजदीक, और चलने का कैसे होगा। अब जस्ट देखिए, ऐसे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है और मैं थोड़ा टोज भी चल रही हूँ और पैर दोनों क्रॉस हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीजर गेट। अब समझो पेशेंट को यहाँ पे इंजुरी है, ये है हाथ का एरिया मोटर कॉर्टेक्स का, तो उसका अभी राइट साइड में है तो ये लेफ्ट हाथ, बच्चा जो पहले जो 6 महीने तो शायद मालूम भी नहीं पड़े, एक दो ऐसे दोनों हाथ हिलाने की जगह शायद वो एक हाथ ज़्यादा हिला रहा है एक कम हिला रहा है, कोई के ध्यान में ही नहीं आता है। और थोड़ा बड़ा होता है ऐसे बॉल पकड़ना है तो शायद ऐसे करके पकड़ भी लेता होगा, नहीं भी पकड़ता होगा, किसी के ध्यान में नहीं आता होगा लेफ्ट हैंड है क्योंकि भैया हाथ की मूवमेंट कम है, बाद में ध्यान नहीं दिया तो हाथ ऐसे 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 होते जाता है। अगर उसको ध्यान पहले से ही दे दो तो एक कड़क होते कि पहले ही उसको स्ट्रेचिंग एंड बाकी सब ट्रीटमेंट शुरू करके आप ये प्रॉब्लम काफ़ी कम कर सकते हो, इसलिए अगर नहीं ध्यान दिया तो ऐसे 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 हो जाता है। और मेरे पास एक लड़की है, शायद मेरे को लगता है वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रही है, 21 साल की होगी, तो उसका एक हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे देखे तो मालूम नहीं पड़ता है एक्सेप्ट मुझे लगता है उसकी एक ग्रिप जो है ना हाथ की, वो ग्रिप बराबर नहीं है, वो ऐसे हाथ नहीं हाथ से पकड़ नहीं सकती है, हाथ से फाइन मूवमेंट करने में उसको दिक्कत आती है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड से लिखती है पर बाकी सब कुछ दिमाग विमाग अच्छा चल रहा है, पर उसकी ऐसे डिफॉर्मिटी कुछ चलती है तब दिखती नहीं है, क्योंकि वो जब छोटी थी जब उसके पेरेंट्स को मालूम पड़ा था कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम लगता है उसी टाइम पर ही उन लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। कोई कोई का क्या है पूरा वो मोटर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम हो जाता है, समझे पूरे मोटर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है पार्ट इन्वॉल्व, तो हाथ और पैर दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो लोगों का चलते वक्त जो गेट है ना वो ऐसे रहता है, जो हेमिप्लेजिक पेशेंट का होता है ना वो इसी टाइप पर चलते हैं, पर बाद में वो अगर उसी टाइप पर ध्यान दो तो वो सब रिकवरी आ जाती है। सो अगर स्पास्टिक होगा तो उसकी मूवमेंट जल्दी जल्दी नहीं होगी, हाथ उसको जितना करना है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और वो ज़्यादा ऐसे करने जाएगा तो और कड़क होता जाएगा, उसकी वो मुट्ठी भी काफ़ी बार खुलने में दिक्कत आती जाएगी। इसलिए स्पास्टिसिटी पे एक बच्चा हो तो पहले से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, पहले से ही उसकी फिजियोथेरापी जरूरी पड़े तो दवाइयाँ और सब कुछ करो तो पेशेंट को पूरा फायदा हो जाता है। इन लोगों को अगर माइल्ड प्रॉब्लम हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे जीते हैं और उसके साथ में सब कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, और बड़े होने के बाद में पूरी अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। एक्सेप्ट जिसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो पूरी बॉडी, समझो दिमाग में पूरे के पूरे दोनों ही बाजू में डैमेज है, ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो पूरे कड़क हो जाते हैं, शायद वो उठ भी नहीं पाते, छोटा जन्म है तब शायद उसको दूध पीने में तकलीफ होती होगी, हाथ ऐसे हो गए पैर ऐसे हो गए, बच्चा ना बैठ पाता है ना कुछ कर पाता है, हर चीज़ में असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही बच्चों को थोड़ी बहुत थेरापी करो, शुरू से करते रहो तो काफ़ी फायदा हो जाता है, और उनको मदद की भी ज़रूरत पड़ती तो ही वो टोटली बोझ बन के नहीं रहता है, थोड़ी बहुत हेल्प के साथ में वो बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का चलो एक हाथ साइड कम काम कर रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कंसल्ट कर लीजिए, सेरेब्रल पाल्सी है क्या देख लीजिए, होगा तो इलाज चालू कर दीजिए, इलाज फिजियोथेरापी है, बहुत सारे रिपोर्ट्स या बहुत सारे MRI करा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें ट्रीटमेंट एक ही है फिजियोथेरापी, जरूरी पड़े तो मेडिसिन जिससे थोड़ी स्नायु ढीले करते हैं, और बोटेक्स विटेक्स तो लेट स्टेज की बात है,
उसके सिवा तो फिर बाद में बड़े होने के बाद में अगर टेंडन बहुत कड़क हो गए, शॉर्ट हो गया, बहरे हो गए, ऑपरेशन बाकी चीज़ें होती हैं। सो स्पास्टिसिटी आपको लगता है एक साइड काम कर रहा है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट डॉक्टर। थैंक यू।